3388 GBSU पीछे लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो रोड बिरादरी के जो नौजवान युवक होते हैं वो GBSU अपनी मोटरसाइकिल पीछे लिखवा कर रखते हैं, गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन, ये शायद इसकी फुल फॉर्म है। और आप देख सकते हैं GBSU पीछे लिखवाया गया है। जिस किसी की यह मोटरसाइकिल हो, हमारी सिर्फ अपील है, हम ये नहीं कह रहे कि यह मोटरसाइकिल वाला ही मोटरसाइकिल चला रहा था, हो सकता है कोई इसका फ्रेंड चला रहा हो, लेकिन इसके परिवार के लोगों तक यह जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। हम आपको आगे लेकर चलते हैं, और अगर वाकई यहां पर गोली चली है तो इन दुकानदारों को आखिरकार क्यों सांप सूंघ गया है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान जरूर है। अगर इस तरह से अगर कोई भी सामने आकर कोई भी जानकारी नहीं देगा तो क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, कौन इस बारे में जानकारी देगा कि तो आप देख सकते हैं वरेंद्र नाम सामने आया है, जो स्वास्तिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वरेंद्र नाम, जिसको वीरेंद्र अहर है, वीरेंद्र अहर के गोली लगी है, जो जानकारी मिली है। GBSU आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल के पीछे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के पास जानकारी जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वीरेंद्र अहर के गोली लगी है। ये लाइव तस्वीर है इस समय, आप देख सकते हैं GBSU से है ये, गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मोटरसाइकिल। आप देख सकते हैं कि ये उसकी मोटरसाइकिल है या किसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन पुलिस की टीमें मौके पर हैं, CIA की टीमें मौके पर है। कमर में गोली लगी है जो जानकारी लगी है, अभी तक की शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिली है, शायद वीरेंद्र अहर के गोली लगी है। बहरहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जानकारी यही मिली है कि हैवी सा कोई लड़का है, भारी सा कोई लड़का है, जिसके गोली लगने की खबर है। हालांकि